नमस्कार दोस्तों, ICSM YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2D एनिमेशन का यूज। आपका जो फ्लैश सॉफ्टवेयर होता है उसमें 2D एनिमेशन हम किस तरीके से लगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन देना है तो वो मोशन हम कैसे अप्लाई करते हैं 2D एनिमेशन के थ्रू फ्लैश में। तो फ्लैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका 2D एनिमेशन को प्रेजेंट करता है। तो चलिए आज हम सीखेंगे फ्लैश के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से मोशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फ्लैश सॉफ्टवेयर होना जरूरी है और हम उसे ओपन करते हैं। चलिए अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से अब हम मोशन देंगे। अब हम फ्लैश ओपन करेंगे, विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पर फ्लैश टाइप करेंगे। इसकी रन कमांड फ्लैश होती है, आप यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। अब आप ये देखेंगे कि आप फ्लैश डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ से। इसके बाद ये आपका फ्लैश का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब हम इसमें किस तरीके से एनिमेशन देते हैं वो हम सीखते हैं। तो किस तरीके से हम इसमें एनिमेशन देंगे, सबसे पहले आप इसमें कोई भी एक बैकग्राउंड लेंगे, जैसा कि आप कोई भी बैकग्राउंड पसंद करना चाहते हैं। चलिए तो हम इसके अंदर अगर हमें कोई भी क्लाउड के अंदर एरोप्लेन को यानी फ्लाइट को उड़ाना है तो हम कैसे इसको करते हैं। तो हम सबसे पहले एक क्लाउड का वॉलपेपर ले लेते हैं। आप कंट्रोल प्लस आर करेंगे और यहां से आप कोई भी वॉलपेपर जो आपने पिक किया हुआ है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से जो ये आपका इमेज है आप इसे थोड़ा सा छोटा करके और इसे ऐसे सेट कर लेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे और आप देखेंगे कि ये पूरी स्क्रीन पे आपका प्रॉपर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा गैप है। तो हम इसे ऊपर और करेंगे हल्का सा इमेज को और थोड़ा राइट में करके हम इस तरीके से कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे दोबारा और अब हम इसे देखेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा पूरा सेट हो चुका है, बट मेरी जो इमेज है ये नीचे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ पोर्शन को अगर ऊपर करना चाहते हैं तो आप कुछ पोर्शन ऊपर भी इसी सेम कंडीशन में कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे और आप अब देखेंगे ये आपका पूरा स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद हमने करना है कि इसको जो बैकग्राउंड हमने लिया है इसको स्टेबल करना होता है। तो स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट मोशन ट्विन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जहां तक आप इसको मोशन देना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आप वहां तक सिलेक्ट क्लिक करके F6 फंक्शन की का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर F6 बटन प्रेस कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको न्यू लेयर लेनी होगी जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर एनिमेट कराना है, जिसको आपको एनिमेशन देना है। चलिए अब हम कंट्रोल प्लस आर करके अपनी दूसरी इमेज लेंगे। अब आपने यहां से एक दूसरी इमेज ले ली, इस तरीके से ओपन कर लिया और इसका साइज आप यहां से ऐसे छोटा कर सकते हैं। अब पहले हम इसे थोड़ा सा इसको हम घुमा लेते हैं, इसका फेस इधर कर देते हैं हम। चलिए अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हम इसे प्रॉपर सेट करेंगे। प्रॉपर सेट करने के लिए हम इसे माउस की हेल्प से ड्रैग करेंगे इस तरीके से और जो फ्लाइट का डायरेक्शन है हमें थोड़ा सा अप करना है, इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे। अब हम कंट्रोल प्लस एंटर करके देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पे ये कैसा दिखाई देगा। तो अभी इस टाइप का से दिखाई दे रहा है, हम अभी यहां से क्लोज करेंगे। देखिए ये आप यहां पर देख रहे हैं Layer 1 and Layer 2, जितने भी लेयर बनाएंगे आप यहां पर लेयर उस ऑप्शन आते रहेंगे। तो आप यहां पर इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और या आप यहां पर डबल क्लिक करके भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आपने जैसे ये आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो क्लाउड की लेयर है तो आप यहां पर क्लाउड लिख देंगे और दूसरी लेयर आपकी एरोप्लेन की है तो आप यहां पर इसे डबल क्लिक करेंगे और इसी तरीके से इसका भी नाम हम दे देंगे ताकि हम इससे कंफ्यूज ना हो कि हमारी लेयर कौन सी किसकी लेयर है। हमें आसानी होती है हम जब उसमें एनिमेशन देते हैं तो इसलिए हमारे को बहुत आसानी रहेगी अगर हम इसका नाम दे देते हैं। चलिए अब मुझे क्या करना होता है कि अब मैं इसमें मोशन लगाता हूं। तो
तो मुझे मोशन लगाने के लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट मोशन ट्वीन करेंगे और आप जितने भी कोई भी पॉइंट को क्लिक करें और यहाँ पर फंक्शन की हेल्प से F6 बटन प्रेस करें और इसे हल्का सा आगे की तरफ ऐसे मूव करता हुआ दिखाई दें। इसके बाद आपको फिर यहाँ पर 16 पॉइंट कितने भी पॉइंट पे आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी पॉइंट पे आप F6 करते जाएं और इसको आगे की तरफ मूव करना है आपको। फिर आपने F6 बटन प्रेस किया, और ये लास्ट पॉइंट आपने यहां पर क्लिक करके F6 करके आगे की तरफ इसे ये यहां तक दिखा दिया। अब हम देखते हैं जो हमने मोशन इसके अंदर लगाया है वो कितना इसमें वर्क कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर कंट्रोल प्लस एंटर करना होगा। जब हम यहां पे कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे और हम इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, अब हम देख पाएंगे।